हेलो गाइस, आज हमारे पास है एक्सेल 100 के शोकर किस तरह रिपेयर करेंगे। बिल्कुल एक आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने कोई और यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखी होगी तो उससे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर शोकर फिटिंग करके दिखाऊंगा, जो कि शोकर में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो किस तरह से फिटिंग करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर शोकर लिए हुए, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, ये आपकी लेग में लगी होती है, शोकर की लेग में लगी होती है। कई भाई इसको निकालते नहीं है, आपको हमेशा निकाल कर ही फिटिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसे आपको लेग में से निकाल कर फिटिंग कर लेना है, जो कि कई बार लेग में लगी होती है और ऊपर से स्प्रिंग डालते हैं, जो कि हमारे जो स्प्रिंग है इस तरह से बैठता है, ठीक है। कई कई बार इसमें प्रॉपर नहीं बैठता, जिससे कि आपका जो स्प्रिंग है बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को आपको गौर करना है। तो इसको प्लास की मदद से आपको लेग में से निकाल लेना है, ठीक है, आसानी से निकल आएगी, ठीक है। इस तरह से आपको स्प्रिंग इसमें प्रॉपर बैठाना है जब भी आप एक्सेल 100 की शोकर फिटिंग करें तब, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों शोकर के निकाल लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको स्प्रिंग प्रॉपर आप उसमें बैठा लेना, जो कि अगर आप शोकर में लगाकर फिटिंग करोगे तो इस तरह से आपकी जो स्प्रिंग है प्रॉपर नहीं बैठती, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, आपको इस तरह से बैठा लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे। इस तरह से हमारी स्प्रिंग इसमें फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से फिटिंग करने के बाद प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें लेना है, आपको इसमें मिलेंगे दो ब्रश इस तरह के, जो कि आपको स्प्रिंग में लगाने हैं, ठीक है। इसमें अच्छी तरह से आप ऑयलिंग करके लगा लेना, जिससे कि आपकी प्रॉपर बैठ जाए, ठीक है। आपको आपको सेंटर में नहीं रखना, कहीं ऊपर एक नीचे रखना, ठीक है। इस तरह से आपको बिठा लेना स्प्रे। तो यहाँ पर इस तरह से एक हमारा शोकर यहाँ पर रहेगा, देख सकते हो, एक जो बोर्श है हमारा ऊपर रहेगा, इस तरह से हमारा बोर्श ऊपर रहेगा, ठीक है। इसे आप बाद में फिटिंग कर सकते हो, पहले फिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, लेग लेनी है, ठीक है। यहाँ पर लेग लेने के बाद इसमें आपको सामने दिखा होगा उस सुराख में इसको आपको कसना है, इस तरह से टाइट कर लेना है, ठीक है, प्रॉपर। और इसको आपको ओपन करने के लिए भाई आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको एक्सेल फंसाना है, ऊपर आपको प्लास से पकड़ना है, घुमा देना, आपका ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इस तरह से आपको प्रॉपर टाइट कर लेना, जब आप इस तरह से प्रॉपर टाइट करने के बाद हमारा प्रॉपर टाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर टाइट कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा आप जो लगाकर इसको अच्छी तरह से टाइट करके फिटिंग कर देना है, ठीक है। फिटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरह का एक्सेल फंसा लेना है, जिससे कि आपका जो नट है प्रॉपर टाइट हो जाएगा, जो कि एक आपको इस तरह के एक और स्प्रिंग में ऊपर इस तरह का लॉक मिलेगा, ठीक है। इसको भी आपको इस तरह से बैठा लेना है, जो कि इसके कड़ बने हुए इस तरह से आपको बैठाना है, ये आपको ऊपर लगाना है, ठीक है। शोकर को इस तरह से फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको शोकर रॉड लेनी है। शुक्र आड़ में क्या, आपको जब भी आप शुक्र आड़ या शुक्र फिट करें एक्सेल के, तो ए वाले बुर्श आपको नमें डालने पड़ेंगे, जो कि ये शुक्र जब खोलते हैं तो आपके ये ख़राब हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से इसमें और लगा लेना बुर्श में, बुर्श में लगाने के बाद इसमें सुराख होते हैं, इसको आपको प्रॉपर बिठा देना है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको प्रॉपर बिठाने के बाद दोनों को इस तरह से आपको बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बिठा लेने, बिठाने के बाद आपको क्या करना है, शुक्र राल लेनी है। राल लेने के बाद आपको इसमें इस तरह से आपको जो बुर्श है इस तरह से प्रॉपर बैठ जाएंगे, इस तरह से आपको बैठा देने हैं। बैठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक 12 नंबर का नट मिलेगा ऊपर और एक बाशे मिलेगी, उसको आपको फिटिंग कर देना है यहाँ पर, इस तरह से आपको टाइट कर देना है, जो कि जो जब आप इसमें ऊपर नीचे करोगे तो शायद आपका ये शुक्र बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको इसको टाइट कर रखना है। जो मैंने आपको बताया था, जो कि आपको क्यों खोलना है, जो कि शुक्र में तो क्यों निकालनी है, लेग में से वो राड निकालनी है, इसलिए निकालनी होती है, क्योंकि जब आपका शुक्र चलता है तब आपको निकालनी पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑल डाल लेना है, ठीक है। ऑल अपने प्रेस के साथ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसमें मैंने ऑल फिटिंग कर लिया। उसके बाद आपको इसमें लगानी है एक बुर्श लगेगा, ठीक है। बुर्श इस तरह का आपको बुर्श मिलेगा, या बुर्श लगाने के बाद अच्छी तरह से ऑल लगाने के बाद इसको बुर्श को फिटिंग कर लेना है, इस तरह से आपका ये फिटिंग हो जाएगा। और पीछे इसकी मदद से आपको अंदर तक प्रेस कर देना, इसको इस तरह से आपको अंदर प्रेस कर देना। प्रेस होने के बाद आपको इसमें ऑल सील फिटिंग कर लेनी है, जो कि आपको बताऊँ नॉर्मल स्कूटी से जो बाइक की सील है वो अलग होती है, इसकी अलग होती है, स्पेशल होती है इसकी शोकर सील, ठीक है। ये देख सकते हो शोकर सील को आपको ऑल लगा लेना है। ऑल लगाने के बाद आपको इस तरह से इसमें फिटिंग करनी है, इस तरह से आपको फिटिंग कर लीजिए। आपको शोकर सील की बुर्श है उससे आप फिटिंग कर सकते हो, तो जो कि मैंने पानी से फिटिंग कर रहा हूँ, आप इस तरह से फिटिंग कर सकते हो। उसको फिटिंग करने के बाद आपको पेचकस से हल्की हल्की या कोई चीज़ आपके पतली हो उसके साथ से आपको शोकर सील अच्छी तरह से आपको बिठा लेनी है,
बिठाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बाशल मिलती है, जब भी आप ओपन करोगे तो उसमें एक आपको बाशल देखने को मिलेगी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की बाशल मिलेगी, ठीक है। इस बाशल को रखाने के बाद आपको जब पेचकस की मदद से आपको हल्की हल्की शट मार लेनी है, ठीक है, या आपकी प्रॉपर सील बैठ गई तो बैठा लेना, ठीक है। इसको डालने के बाद उसके बाद आपको एक लॉक मिलेगा, जो कि सभी स्कूटी या बाइक में आपको इस तरह का लॉक देखने मिलेगा, इस तरह से आपका फिटिंग हो जाएगा शोकर, ठीक है, जो कि आप इस तरह से आप दोनों शोकर फिटिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।